बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स भी क्या करें, और जो कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। इस हवाले से आपको जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो पूछा ज़रूर करें। वीडियो देखने से पहले अहम दरख्वास्त है, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियोस को भी लाइक करें और कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी बताई गई टिप्स और नुस्खे पर अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी का अच्छा सोचना करना भी सवाब है, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात पर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को सुना करें, आप लोग सिर्फ देखते हैं इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आती, सुनने से आपको ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। लिहाजा सुनने के बाद जो समझ आए मुझसे पूछा करें, पूछने से आपकी भी जो जाऊंगी, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, आज का मेरा टॉपिक है चिकनाई भरे खानों से जिगर का मेटाबॉलिज्म और इसकी कारकर्दगी पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। हम जानते हैं कि चिकनाई से भरपूर खाने जिगर को मुतासिर करते हैं, लेकिन अब माहिरीन ने मुजर चिकनाइयों के सिर्फ एक खाने के जिगर पर असरात को भी नोट किया है और बताया है कि चिकनाइयां सेहत के लिए किस कदर नुकसानदार साबित हो सकती है। गिदाई माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर आपके मामूल में चिकनाइयों भरे मुर्गन खाने ज्यादा होते हैं तो इससे अल्कोहल के बगैर जिगर पर चिकनाई और दीगर इमराज के शिकार होने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। इस मर्ज को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD कहा जाता है, जिसमें शराब ना पीने वालों के जिगर में चर्बी जमा होती रहती है। NAFLD अमूमन 40 या 50 साल की उम्र में पैदा होती है और खुसूसन मोटे लोगों को ज़्यादा मुतासर करती है, लेकिन ये मर्ज जिगर को ख़राब करके इसे नाकारा बना देता है। ये मर्ज जिगर में चिकनाइयों के भरने के बाद भी पैदा होता है और डायबिटीज और इफ्राद कल्ब की वजह से भी बन सकता है। माहरीन के मुताबिक चिकनाइयों वाले खाने NAFLDN की वजह से बन सकते हैं, लेकिन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक अब साइंसदानों ने पहली मरतबा चिकनाई के जिगर पर सालमियाती सतह के असरात का जायजा लिया है। जर्मन माहिर सेहत के मुताबिक चिकनाइयों से भरा सिर्फ एक खाना भी जिगर पर असरअंदाज होकर इसमें इंसुलिन की हसासियत और मेटाबॉलिज्म को तब्दील कर देता है। माहिरीन ने इस हवाले से सर्वे में 14 अफराद को शामिल किया जिनमें दुबले पतले और सेहतमंद अफराद शामिल थे। माहिरीन ने शुरुआत को इतना पाम ऑयल दिया जो एक चिकनाई वाले खाने के बराबर था। हर खाने के बाद उनके जिगर की कारकर्दगी का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि सिर्फ एक मरतबा चिकनाई से भरपूर खाना खाने से इंसुलिन की हसासियत, ट्राइग्लिसराइड और दीगर अज्जा बढ़ जाते हैं और इनमें से बाज खून में भी नोट किए गए हैं। इस तहकीक पर साइंसदान हैरान है और इनका कहना है कि चिकनाइयों की एक खुराक भी जिगर को वक्ती तौर पर तब्दील कर देती है। तो आज से उम्मीद करती हूँ आप लोग चिकनाई वाला खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि जिगर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है।